महारानी मरने के लिए वन की तरफ चली है तो मर नहीं पाई। उससे पहले ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद मिल गए। बेटी कौन हो तुम और इस वन में क्या कर रही हो? बोले बाबा जी, हाँ मैं इस वन में मरने के लिए आई हूँ। मरने? हाँ तुम पागल हो? अरे जो बुजदिल होते हैं, जो कायर होते हैं, वो आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करना ये सबसे बड़ा पाप होता है। जिंदगी संघर्ष है, इसे जियो। आत्महत्या करना ये बहुत बड़ा अपराध है। बोली मरो नहीं, लड़ो, मरो नहीं। क्यों? और मरने क्यों? बोले कोई संतान नहीं है, पागल हो गई हो तो। छोटी सी बात को लेकर मरने को तैयार हो गई। अपना हाथ हमें दिखाओ। देवऋषि नारद ने रानी की कलाई को पकड़ा और कहने लगे, बेटी वो तो अच्छा हुआ कि हम मिल गए, नहीं तो तुम मर जाती। तुम्हारी हस्तरेखा क्या कह रही है? बोले क्या कह रही है? बोले सुनो, अरे घबराए मत आज कुमारी, अरे घबराए मत आज कुमारी, तेरे हुए वो ललायो तारी। अरे तू मानी जाना बात तू हमारी, बेटी तेरी गोदी में, तेरी गोदी में ललाए पुआए जाए गो निकल लो नहीं, तेरे सुखो बाग हरियाए जाए गो मोड़ी मान जाइए। चंद्र सितारे पिटिया मानिल बचन हमारे, तेरे बेटा को, तेरे बेटा को नाम ये सुछाई जाए गो निकल लो जाइए, तेरी गोदी में ललाए खुआए जाए गो लाड़ो लौट जाइए। तुम्हारी गोदी में एक सुंदर सा खिलौना खेलेगा। रानी बोली, बाबा जी एक बात बताएं, मैं तो यही समझती थी कि गृहस्थ लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन आज समझ में आया कि महात्मा लोग तो डबल झूठा होता। क्या मतलब? मतलब साफ है, 6 महीना हो गए हमने अपने पति को देखा तक नहीं, अभी
और तुम ये कह रहे हो कि हमारे उधर से बेटा जन्म लेगा, कैसे? नारद बोले, बेटी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं, विश्वास करो और विश्वास में ही परमात्मा होता है। भगवान राम ने भी कहा है कि मोर वचन से पर जाए भीका और संत वचन पत्थर की भीका। विश्वास करो, छह महीना हुई हुई, एक महीना और इंतजार कर ले। एक महीना में अगर पति से मुलाकात हो जाए तो ठीक है, और न मिले तो चली यही हो जाए बन में, फिर मर जाइ हो, अब की हम बचाने भी नहीं आए। एक महीना और इंतजार करो लली। आज महारानी को विश्वास हो गया, चली। तसल्ली गई जिगर में आई, उसी समय बात सुनी तीनों झोपड़ी उसी समय वो बात सुनी थी लौट भवन को आई। बागेश्वर से मैया ने तब लीनो जाम लगाई, बोले शास्त्री तेरी रक्षा करेंगे अदुराई। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आज महारानी लौट करके घर आई है और भगवान का ध्यान करती है, परमात्मा कौन दिन होगा कि मेरी गोदी में वो नन्ना मुन्ना सा खिलौना खेलेगा, कौन दिन होगा प्रभु? आप लोग ताली बजा करके बोले, तेरे सुने सेवा
चिंता हरो सारी, चिंता हरो सारी महारानी। ध्यान करते हैं ये परमात्मा, कौन दिन होगा वो नन्ना मुन्ना सा खिलौना मेरी गोदी में खेलेगा। सने सने समय बीता, एक दिन महाराज उत्तान पाद शिकार खेलने के लिए वन में गई, जा करके पहुंचे। सुबह से लेकर शाम हो गई, लौट नहीं पाए। छोटी वाली रानी सुरची इंतजार करती नहीं करती नहीं, जब ना आई तो दरवाजा बंद करके सोई गई। उत्तान पाद आई महारानी, दरवाजा खोलो महारानी, दरवाजा खोलो। सोई गई। अरे सुख नींद सोई गई रानी, अरे सुख नींद सोई गई रानी, और नहीं सुनी भूपनी मानी। दरवाजा खोलो, तब तक बड़ी रानी की याद आ गई। बोले हम अपनी बड़ी रानी की याद आ गई। अरे तुम ख्याल बड़ी भोला और फोन भोला बड़ी रानी की याद आ गई। घोड़ा वापस किया, बोले अब तो मैं अपनी बड़ी रानी की याद आ गई। चले आवाज लगाई महारानी, महारानी दरवाजा खोलो। मैया पहली आवाज में उठ करके बैठ गई, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? क्या आज हमारे पति 6 महीना बाद आए हैं, वो भी रात्रि के समय। मालूम पड़ रहा है मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए भेजा है। आज डर के मारे मैया ने दरवाजा नहीं खोला। महाराज बोले क्या तुम भी सो गई? छोटी रानी सुरजी दरवाजा बंद करके सो गई। मैं सारे दिन शिकार खेलती रही रानी, मुझे भूख लगी है। आज मैया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, चरण स्पर्श किए। बोले महाराज आज आपको हमारी याद आई 6 महीना के बाद। बोले रानी मेरा दोष नहीं है, हमने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। रानी बोली महाराज अब क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। अंदर चलो। सिड़ियन चली पकड़िया गुड़िया पिया आवे ए भैया। पनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, और पनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। फिर लाखों दोस्त पीछे, जब पैसा पास होता है
और गरीबी में तोड़ देते हैं जो रिश्ता खास होता है। सिड़ियन सिड़ियन चली टूटे खटोला पिया तोड़ा विपत और विपत में भावई विपत में बेल कंधा और घर को भैया बात नहीं पूछे रिश्ते उतार सब Thank you.